दोस्तों क्या हाल चाल है। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो शोमी के फोन, आप कह सकते हैं एक शोमी रेडमी 9 है और एक शोमी पोको M3 वाला फोन है। तो कौन सा फोन इन दोनों में से बेस्ट है, प्राइस आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाती है और कैमरे आपको किस फोन के ठीक मिल जाएंगे और गेमिंग के लिए अगर आपने फोन लेना है तो कौन सा लेना चाहिए या इनके अलावा कोई फोन बेस्ट रहेगा। तो दोनों ही फोन की अगर हम स्पेसिफिकेशन देखें, डिस्प्ले जो आपको मिलता है रेडमी 9 के अंदर फुल HD रेजोल्यूशन के साथ है, 6.53 इंच का LCD वाला, और पोको M3 के अंदर भी सेम यही डिस्प्ले है, 6.53 इंच का है, 1080 पिक्सल की फुल HD रेजोल्यूशन है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की सपोर्ट फ्रंट पे दोनों फोन पे मिलती है और 400 नेट्स तक ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हैं। तो सेम रेडमी 9 वाला डिस्प्ले उठा के M3 के अंदर यूज किया गया है, तो कोई भी फर्क नहीं है डिस्प्ले के मामले में। एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में मिलेगा, MediaTek का G80 वाला चिपसेट है रेडमी 9 के अंदर, जबकि पोको M3 के अंदर स्नैपड्रैगन 662 वाला चिपसेट है। नॉर्मल यूज के लिए ठीक है, बैटरी वगैरह काफी देर तक इस फोन में चलेगी पोको वाले फोन के अंदर। तो पोको M3 में आपको 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट मिलता है 24,000 तक और 4GB 128GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको 27,000-28,000 में मिलता है, जबकि Redmi 9 में 3GB रैम वाला एक वर्जन है जिसकी प्राइस आपको 19,000 तक मिल जाती है डिस्काउंट के साथ, और Redmi 9 जो 4GB 64GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस 24,000 तक मिल जाती है। तो Redmi 9 में आपको 4 कैमरे बैक पे मिलते हैं, जिधर मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, 8 का अल्ट्रा वाइड है, 5 का मैक्रो 2 का डेप्थ सेंसर है। तो M3 के अंदर 3 कैमरे बैक पे हैं, मेन कैमरा जिधर 48 मेगापिक्सल का है, 2 का मैक्रो 2 का डेप्थ सेंसर है, और आपको एक नया डिजाइन मिल जाता है पोको M3 वाले फोन में। फ्रंट पे दोनों फोन के 8 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको देखने को मिलती है, स्टीरियो स्पीकर आपको पोको वाले फोन में मिलते हैं, Redmi 9 में आपको एक ही स्पीकर देखने को मिलेगा, टाइप सी का ऑप्शन दोनों फोन में मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड पे लगाया गया है पोको M3 के अंदर, जबकि Redmi 9 में बैक पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। 5020mAh की बैटरी है Redmi 9 में और पोको M3 में 6000mAh की बैटरी है 18 वाट के फास्ट चार्जर के साथ। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, अगर आपको कैमरे थोड़े अच्छे चाहिए तो पोको M3 वाला फोन ठीक है, स्नैपड्रैगन का चिपसेट है, 6000mAh की बड़ी बैटरी है, लेकिन गेमिंग करनी है आपने तो फिर आपको उतने अच्छी परफॉर्मेंस इसमें नहीं मिलेगी, फिर आपको मैं रिकमेंड करूंगा Redmi 9 ही, जो कि अभी थोड़ा पुराना तो हो चुका है लेकिन G80 वाला चिपसेट मिलता है इतनी कम प्राइस के अंदर। जहां फिर आपको चाहिए कैमरे भी अच्छे और गेमिंग भी खेलना चाहते हैं तो टेक्नो कैमन 16SE वाला फोन है, 6GB रैम के साथ मिल जाता है, 24,000 या इससे कम भी मिल सकता है डिफरेंट मार्केट के अंदर, तो वो फोन भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों एक शॉर्ट किस्म का कंपैरिजन, अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक कर देना, कौन सा फोन आपको अच्छा लगा इनमें से मुझे कमेंट में बता सकते हैं, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।